छत्तीसगढ़ में बीएसपी का जनता कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ ही मायावती ने मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है। जिस तरह बीएसपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। बीएसपी ने 20 सितंबर को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीएसपी की पहली सूची में जिन 22 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनमें 3 वर्तमान विधायक हैं। वहीं इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और बीएसपी से गठबंधन की आस खत्म हो गई है। जारी सूची के अनुसार मुरैना जिले के सवलगढ़ से लाल सिंह केवट, अम्बा से सत्य प्रकाश, भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा, सेवड़ा से लाखन सिंह यादव, करेरा से प्रागीलाल जाटव, अशोकनगर से बालकृष्ण महोबिया, छतरपुर जिले के चंदला से पुष्पेंद्र अहिरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के अनुसार दमोह के पथरिया से रामबाई परिहार, जवेरा से डेलन सिंह धुर्बे, सतना के रेगांव से उषा चौधरी, अमरपाटन से छंगेलाल कोल, रामपुर बघेलान से रामलखन सिंह पटेल, रीवा के सिरमौर से राम गरीब कोल, सेमरिया से पंकज सिंह पटेल, जेवतलाल से सीमा सिंह, मनगवा से शीला त्यागी, सिंगरौली के चितरंगी से अशोक यादव, शहडोल के दोहनी से अवध प्रताप सिंह, उमरिया के बांधवगढ़ से शिव प्रसाद कोल, कटनी के बहोरी बंद से गोविंद पटेल और जबलपुर के सिहोरा से बबीता गोटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी के उम्मीदवारों की यह सूची राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी रामाचल राजभर और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के दस्तखत से जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।